आप देख रहे हैं अपना समाचार। जिला गाजीपुर बहुत एक्साइटेड हूँ मैं अपने पिक्चर को लेकर के, और जिला गाजीपुर बना रहा हूँ और इसमें सारे लोगों का सहयोग है, जिसमें विशेष सहयोग हमारे संजय भैया हैं जो कि एज अ प्रोड्यूस भी कर रहे हैं, एज अ सारा मतलब हर चीज़ जो है हमको केयर करते हैं और बताते हैं कि अभी ऐसे नहीं ऐसे किया जाए। तो हम लोग प्लानिंग करके एक निर्माण करने के चक्कर में चले हैं और हमारे सुधीर संगम है, छोटू शिवांग है साथ में हम लोग और हमारी तमाम यहाँ। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और मैं क्या बोलूँ, मैं अब समय बताएगा तो बोला जाएगा, अभी तो मैं संजय भैया से कुछ बोलना चाह रहा हूँ। हमारे अजय भाई, संजय भैया के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? संजय भैया एक अपने आप में एक नाम है, और संजय सिंह जो कि एक बहुत प्रसिद्ध और सभासद भी रहे हैं काफ़ी दिनों से गाजीपुर पीरनगर से, और आप प्रधानपति भी हैं वहाँ पृथ्वीपुर से। हम लोगों ने प्रचार किया था बहुत अच्छे से, मोहन राठौर बहुत तमाम सारे स्टार आए थे, कोई भी स्टार ऐसा नहीं, समर भी था, साहब लाल धारी, नंदन चंदन। सर नया जिला गाजीपुर पिक्चर बन रहा है, ये फिल्म हम लोग के जनपद के नाम पर रखा गया है। अब इस फिल्म को लेकर के बहुत उत्साह है हम लोग के बीच में, हम लोग की सारी टीमें उत्साह में हैं और इस फिल्म को हम लोग पूरा करके समाज में प्रदर्शित किया जाएगा। ये एक सामाजिक फिल्म है जी। अमित सोनी जी डायरेक्टर हैं, ये हमारे सुधीर संगम जी हैं, इन लोगों का इसमें रोल है। हम लोग उत्साह हर तरह से इनका सहयोग करेंगे, हम लोग इस फिल्म से हम लोग भी जुड़े हैं, हम लोग चाहते हैं कि फिल्म जल्दी बने और जिला गाजीपुर पहले गाजीपुर में प्रदर्शित हो। तो भाई कोई भी सामाजिक कार्य करिए तो उसमें हर एक आदमी का सहयोग होना चाहिए, हम जैसा हमारा कहना है सोचना है कि हर आदमी का सहयोग रहेगा तभी यहाँ कुछ। सुधीर संगम जी हैं, ये अमित सोनी जी हैं जो फिल्म के डायरेक्टर हैं, और इसमें एक विलेन का रूप लिए हैं हम लोग के राहुल लाल जी हैं जो विलेन है, परसा से बिलोंग करते हैं, ताकि फिल्म बढ़िया से बने और बढ़िया से रिलीज हो। विलेन नमस्ते प्रणाम, हमारे भोजपुरी के जितना श्रोतागढ़ हैं अगर इस चैनल से हमको देख रहे हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद और सबको एक साथ प्रणाम है। हम इस समय गाजीपुर में स्टार पैलेस में हम लोग का आज फिल्म का मुहूर्त है और हम लोग बहुत उत्साहित हैं कि फिल्म का नाम जिला गाजीपुर है, और हो सकता है कि बहुत बड़े से बड़े स्टार जो गाजीपुर के रहने वाले हैं वो नाम सुन के पछताएंगे बाद में कि हमने काम क्यों नहीं किया, चाहे क्यों नहीं मौका मिला। और मैं तो आज बचपन से ही मेरे भैया का एक बाप की तरह साया रहा है, हमारे अमित सोनी भैया बगल में देखिए बैठे हैं, हमारे डायरेक्टर साहब हैं, और भैया का शुरू से ही बहुत सहयोग रहा है। और मैं बहुत दिनों से एक नाम सुन रहा था जिस नाम से मिलने के लिए बेताब था, हमारे संजय भैया हमारे बीच में, और बहुत बहुत धन्यवाद कि आज भैया के आशीर्वाद से कुछ करने का मौका मिला। ये जिला गाजीपुर फिल्म बहुत ही अच्छी एक फिल्म है, जिसमें देखिए शिवांग है हमारा भाई, इसका भी बचपन का जो मेरा रोल रहेगा, फिल्म में देखते होंगे आप लोग बच्चा पहले एंट्री मारता है फिर वो बड़ा हो जाता है, तो जो बचपन का रोल है मेरे छोटे भाई का है, ये फिल्म में हीरो है मेरे रूप में, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं अपने रूप में आता हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया लोग को कि इतना अच्छा फिल्म करने का मौका मिला, भैया बहुत बहुत धन्यवाद, और पूरे गाजीपुर जिले को धन्यवाद। और ये इस लाइन में तो स्ट्रगल वाला सफर बहुत ज़्यादा होता है, हमारे जो नई पीढ़ी में हमारे भाई आ रहे हैं उनके लिए कहना है कि जो बहुत एक्टिव होगा बहुत मेहनती होगा वही इस फील्ड को चुनेगा, क्योंकि बहुत ही मेहनती फिल्म है, फिल्म इंडस्ट्रीज की लाइन है जी। सबसे पहला अभी मेरा गाना हिट हुआ था बीच में पागलपन, बहुत ही अच्छा ज़्यादा व्यू है उस गाने के जी, बहुत प्यार दुलार आप लोगों ने दिया, दर्शकों ने दिया, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। अभी फिल्म किया हूँ आजाद परिंदे, और जिसमें हम और प्रमोद प्रेमी यादव दोनों लोग उसमें हीरो हैं, और एक फिल्म सिंदूरवा के लाज अभी किया हूँ, बहुत ही अच्छी फिल्म है, तो उसमें बताशा चाचा हैं, तमाम लोग हैं इस फिल्म में भी, बताशा चाचा अभी आएंगे, अभी कल ही हम लोग की बात हुई अमित भैया की, तो इस फिल्म में भी वो आ रहे हैं, और बहुत ही अच्छी हमारी एक दोस्त हैं अपने ज़िले से गाजीपुर से हैप्पी राय जी, वो भी इस फिल्म में है, आप लोग को हीरोइन के रोल में तान्या जी हैं, राहुल राय जी हैं हमारे बहुत ही अच्छे मित्र भी हैं। अरे हमसे बेवफाई कर लू गली पगलाई, जानी दीवाना पागल खाना में भेटाई,
चाँद जैसे हेरा तोहार कैसे हम भुलाइबू, मर के भी जान तोहके ना भूल पाइबू। चाँद जैसन चेहरा तोहर कैसे हम भुलाइबू, मर के भी जान तोहके ना भूल पाइबू। लिखलो जनम दिल पे कैसे हम मिटाई, हमसे बेवफाई कैलू गैली पगलाई। जाने दीवाना पागल खाना में भेटाई। लेटेस्ट अभी एक मेरा गाना आ रहा है, लेकिन चैनल के माध्यम से सुनाऊंगा तो आजकल बड़ा काफी मार रहा है। फिल्म का नाम है राजा हिंदुस्तानी और बहुत अच्छी पिक्चर है और वो भी अमित भैया की देखरेख में ही हो रही है। ये फिल्म भी अमित भैया ही अमित भैया के पूरा मुझे फ़ोन किए भैया और बोले कि तुमको फिल्म करना है। मैंने कहा ठीक है भैया, और जी और भैया बहुत ही मेहनत करते हैं किसी कार्य के प्रति। और सबसे खुशी की बात है कि हमारे संजय भैया इसमें इस फिल्म में साथ में है। और मैं संजय भैया का नाम बहुत सुना था, बहुत ऐसे कलाकार हैं जो भैया से बहुत प्रेम करते हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि सभी कलाकार प्रेम करते हैं। तो कुछ लोग हमको जैसे ताना टाइप का नहीं होता है तो कुछ लोग ताना टाइप का मारते थे कि अरे आपके जिले के हैं आप उनको जानते नहीं हैं। तो मुझे भी अफसोस होता था कि मैं भैया को उससे कभी मिला नहीं था, लेकिन जब मिला तो भैया का बहुत बड़ा सरप्राइज मेरे लिए। बहुत बहुत धन्यवाद भैया को बार बार। हाँ, मिलते ही भैया ने हीरो बना दिया। नमस्कार प्रणाम, हम भोजपुरी गायक सुनील शुभ और हमारे गाजीपुर जिले के नाम पे फिल्म बन रही है जिला गाजीपुर, तो काफ़ी खुशी की बात है। और मुझे भी पता चला कि मुहूर्त में मुझे अमित सोनी भैया ने बुलाया यहाँ पे, और इस फिल्म में संजय भैया जो गाजीपुर के हैं प्रधानपति भी हैं तो इनका काफ़ी सहयोग है इस फिल्म में। और इस फिल्म में मेन हीरो का जो किरदार है वो मेरा भाई छोटा भाई ये निभा रहे हैं शिवांग, और इनके बड़े होने पे ये किरदार अहम भूमिका में नज़र आएगा सुधीर संगम भैया का। तो यह फिल्म बहुत ही अच्छा और बढ़िया मतलब बन रहा है, अद्भुत है ये फिल्म सुनने में आया मुझे, कहानी बताया गया बहुत ही अच्छी फिल्म है। और मैं भगवान भोलेनाथ से यही कामना करूंगा कि यह फिल्म बहुत अच्छी बने और एक इतिहास रचे इस गाजीपुर ज़िला में। जैसे यह गाजीपुर ज़िला ऐतिहासिक ज़िला है, वीरों की धरती है, शहीदों की धरती है, वैसे ही यह फिल्म एक इतिहास रचे। और सभी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई।